सो हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज मी रोहन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग वापस से उसी बंदे की रोस्ट करने वाले हैं जिसकी रोस्ट मैंने आज से 9 महीने पहले करी थी, समझ रहा। तो तब से लेकर अब तक काफी सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे आज से 9 महीने पहले 2020 चल रहा था, अब 2021 चल रहा है। एंड 2020 में भी मेरे 8000 सब्सक्राइबर थे एंड अभी भी मेरे 8000 सब्सक्राइबर। यानी तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, खैर छोड़ो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दी मोस्ट क्रिंजेस्ट यूट्यूबर के बारे में, जो है अपनी दिल्ली से ही दी वन एंड ओनली दी ओनली वन गोबर जोन। वीडियो एंड तक देखते रहना, शुरू करते हैं। तो करना भाई, सबसे पहले यूट्यूब इंडिया से मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर आप लोग यूट्यूब प्ले बटन के अलावा कोई अवार्ड बनाओगे, जैसे दी मोस्ट क्रिंजेस्ट अवार्ड जो सबसे क्रिंज यूट्यूबर को मिलेगा, तो वो बस अवार्ड एक ही बनाना, क्योंकि एक ही अवार्ड इसी बंदे को मिलना चाहिए। ये बंदा कहता है कि भाई जो भी चीजें है ना वो पूरी इंडिया में सिर्फ इसके पास ही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बंदा खुद कह रहा है, तो ये देख लो। ये पूरे इंडिया में मेरी थार में और दूसरी इंडिया में कोई थार ही नहीं है जिसमें ये वाली, भगवान की दुआ से मेरे को भी बस एक ही पीस मिला है पूरे इंडिया में, मेरी थार में है। रंग भी बहुत यूनिक है इसका, जो ये व्हाइट है ये नॉर्मल व्हाइट नहीं था। अबे साले, हंसी नहीं आ रही मेरे को। नहीं, ये नॉर्मल व्हाइट कलर है ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता ये व्हाइट कलर है, ये तो भाई रेड कलर है। तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में रेड कलर है कि नहीं। लगवाते होंगे स्टील की, मिनिमम सबसे कॉस्टली यही होती है ना, यही होती है। लिमिटेड थार में लगाया होगा आपने। उस बंदे की मैं फीलिंग समझ सकता हूँ, उस बंदे के मन में ये चल रहा होगा कि भाई प्लीज भगवान इससे बचा ले इस बार, अब मैं किसी भी कस्टमर के साथ ऐसे नहीं आऊंगा। लोग लगवाते होंगे स्टील की, मिनिमम सबसे कॉस्टली यही। अबे यार, फेंकने की फद होती है यार। ओ सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ गोबर भैया के बारे में, तो ये वर्ड तो यूज ही नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, गोबर भैया शो ऑफ नहीं करते हैं, सबसे महंगी चीज है, सबसे महंगी थार पूरी इंडिया में सिर्फ और अकेली थार। कलर मुझे व्हाइट क्यों दिख रहा है, ये तो टीचर ने मुझे रेड पढ़ाया था भाई। लिमिटेड थार में लगाया होगा आपने। हाँ, गिनी चुनी नहीं, भी बहुत सारे थारों में लगाई। अच्छा, बहुत सारे थारों में लगाई। ले तुरंत ही विकेट आउट कर दी गोबर भैया की। गोबर भैया फ्लैक्स कर रहे थे कि भैया हमने जो है लिमिटेड चीज लगाई है, उसने तुरंत बोल दिया बहुत सी थार में लगाई है। वाओ, ये भगवान ने किसी को दिया ही नहीं है, ये चीज है मेरा हाथ, ये हाथ जो है सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, ये देख सकते हो तुम, ये हाथ बहुत काम आता है, समझ रहा। सुबह सुबह और ठीक है। गोबर भैया एक अच्छे अनसक्सेसफुल ब्लॉगर ही नहीं, साथ साथ एक अच्छे एक्टर भी है। ये देखो रोना, देखो भाई कैसा हो रहा है, आने भाई को लग रहा है कैसे ये बंदा एक्टिंग कर रहा है भाई। इतनी रियलिटी ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग में नहीं होती भाई, सच कह रहा हूँ। इतनी अच्छी एक्टिंग मत कर, कहीं ऑल्ट बालाजी वाले पकड़ के ले जाए तेरे को। भैया को अपने एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा प्यार है। कैसी लगी भाई? ये तो पूरा भाई पूरा भाई साहब दुआई दुआ भाई, इस पटाखे मत फोड़ा करो। क्या बोला? इस पटाखे मत फोड़ा करो, शर्म नहीं आता? नहीं भाई, मैं एक चीज ये खुद मानता हूँ कि इस बंदे की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा अच्छी है। यानी जिस भी स्टेट पे जाता है इसको हर 2-3 मिनट में अपना सब्सक्राइबर मिलता है। जैसे अभी भाई कुछ दिन पहले झारखंड गए थे एंड होटल में जैसे एंटर करा, ओ ओ भाई, ओ ने अच्छी एम्बियंस है भाई, सब्सक्राइबर ओ भाई, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं भाई, देख रहे हो ऐसे वेट करते हैं कि अच्छा भी लगता है बुरा भी लगता है, बेचारे वेट करते हैं बट मिलने आए। तुझे कैसे पता कि ये तुम्हारे सब्सक्राइबर है भाई? ये बंदे ने सिर्फ खिड़की में से देखा और इसको पता चल गया कि ये तो मेरे सब्सक्राइबर है। कल से एयरपोर्ट गया, सुबह तो दिखे नहीं, सुबह दो बार आया। अच्छा, कल एयरपोर्ट गया, कल जस्ट आप निकले और जस्ट एयरपोर्ट पहुंचे। अरे वाह, क्या बात है। तो बस अभी यहाँ 2 घंटे से बैठे थे। 2 घंटे से कहाँ से हो आप लोग? 5 किलोमीटर मोड़। चलो बहुत बढ़िया। नहीं, वो चीज नोटिस नहीं करी होगी जो चीज मैंने करी। फिर से एक क्लिप देखना, जो लाल टी शर्ट वाला बंदा बोल रहा है बस यहीं से है, यानी बाहर से है, और वो बंदा बोल रहा है जो सबसे ज्यादा जिसने पेटीएम लिया है गोबर भैया से, वो कह रहा है नहीं 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। एंड गोबर भैया की एक्टिंग भी कम नहीं है, तुम खुद देख लो। 5 किलोमीटर यकीन नहीं हुआ तो ये भी देखो, हायाबुसा वहाँ खड़ी है और 2 सब्सक्राइबर मैं देख रहा हूँ आधे घंटे से वहाँ घूम रहे हैं। भाई मुझे भी बताओ इस उंगली और पेड़ के पीछे कौन सा सब्सक्राइबर दिख रहा है। नहीं कोई कैसे वीडियो देखने के बाद मेरे मन में सिर्फ एक सवाल आया गोबर भाई से कि भाई ये सब क्यों, नहीं मतलब क्यों।
हाँ अभी भी थोड़ी सी चिपकी हुई है। ओह गाइस गाइस सब्सक्राइबर गाइस गाइस ये दो सब्सक्राइबर है मिले मेरे को, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ मुझे पहली पता चल गई कि ये सब्सक्राइबर है गाइस, देख सकते हो आप ये दोनों मेरे सब्सक्राइबर है। कुछ बोलते नहीं है, ये सब्सक्राइबर है गाइस, ये मेरी हर एक वीडियो में आते हैं, यानी हर एक वीडियो ये देखते हैं, वीडियो बनने से पहले ही देख लेते हैं, मुझे देखते रहते हैं गाइस। देख रहे हो कितने अच्छे सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइब कर रखा है आपने। अभी क्या है गाइस थोड़ा सा वो है, अभी मैंने पेमेंट नहीं करी ना, तो पहले मैं 10-10 रुपये पेटीएम करता हूँ गाइस। तुम कुछ भी कह लो कि गोबर भाई अपनी फेक वीडियोस बनाता है, सारी स्क्रिप्टेड वीडियोस होती है, जितने भी व्लॉग्स करता है और जितने बंदे होते हैं वो सब स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन एक चीज मैं पक्के से मान सकता हूँ, गोबर भाई की मैथ्स बहुत अच्छी है। नहीं मैं इसकी दांत दे सकता हूँ, बहुत अच्छी मैथ्स है। 1904 से ऑलमोस्ट 16 साल पुरानी ये है, ये वाली ये बिंद्रा स्टूडियो, तो अंग्रेजों ने बनवाया था ये बिंद्रा स्टूडियो है अंग्रेजों का। 1904 से 16 साल हो गए, मेरे टीचर ने तो 117 साल बताया था इसकी। और अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये बंदा बिना गांजा फूके वीडियोस बनाता है तो ये भी देख लो। एक चीज अच्छी है कि तुम गोबर भाई की वीडियो अपने फैमिली के साथ देख सकते हो, क्योंकि सारी वीडियोस फैमिली फ्रेंडली होती है, शायद ये भी। और बीच में सामान खड़ा भाई ये क्या? अच्छा गैस करो ऐसी आवाज किस में से आती है? अरे मम्मी जस्ट इमेजिन गाइस, अगर तुम्हारे टीम में से किसी को भी कोविड हो जाता है, वैसे तुम्हारी टीम नहीं होगी लेकिन होना भी नहीं चाहिए कोविड, और क्या करोगे, अपने दोस्त की मदद करोगे या फिर तुम अपने घर में बैठ जाओगे? लेकिन गोबर भैया पब्लिसिटी करनी है भाई, पब्लिसिटी क्लाउड चाहिए। मैं बताऊं किसको कोरोना हुआ और कैसे हुआ उसकी सीरीज नेक्स्ट व्लॉग से आएगी। बट बात करते हैं एकदम लेटेस्ट वीडियो के बारे में जो थी अनलॉकिंग BMW 7 फीचर्स। तो भाई बंदा स्टार्टिंग में बोलता है कि इस गाड़ी की स्पीड 260 है। नहीं भाई हम अंधे हैं, हमारी आंखों में उंगली दे रखी है किसी ने। वाओ कितना सेक्सी लग रहा है बॉस, आपको बता। वाओ कितना सेक्सी लग रहा है, साफ दिख रहा है भाई कि 330 स्पीड है गाड़ी की टॉप स्पीड, 260 कहां से? ऐसी रात होती है तो ये बंदा बोलने लग जाता है कि हमने गाड़ी की अनलॉक करवाई है, अभी स्पीड हो गई है 330, पहले 260 स्पीड आपकी 260 थी पहले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कितना सेक्सी लग रहा है। स्पीडोमीटर की थीम चेंज करके बोल रहे हैं कि ये गाड़ी 330 हो चुकी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, ओह इंग्लिश में कुछ ज्यादा बोल दी। अगर गोबर भाई तुम ये वीडियो टेकडाउन कराते हो, वैसे तो मुझे लगता नहीं है तुम छोड़ोगे अगर ये वीडियो टेकडाउन कराते हो, लेकिन उससे पहले तुम ये वीडियो देख लेना, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ना बहुत से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि तुझे पता होगा तेरी ऑडियंस जो है 18 से नीचे के बच्चे हैं, जो वो एज होती है उस टाइम बंदा बहुत जल्दी किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। और जितनी भी मैंने तेरी स्टोरीज और वीडियोस देखी है उसमें तूने 90-80% तूने किसी भी वीडियो में मास्क नहीं लगा रखा, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा। जब तुम मनाली गए थे वहां पे भी इतनी भीड़ में तुमने कहीं मास्क नहीं लगा रखा, और इतना ही नहीं यानी तुम ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो नहीं करते हो दिल्ली के। तुम देख सकते हो भाई ये बंदा कैसे हायाबुसा भगा रहा है रोड पे। अब पता नहीं भाई शायद आपकी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है कि आप दिल्ली पुलिस तक पहुंच पाए, लेकिन शायद मेरी हो। तेरे टीममेट्स भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छी चीजें नहीं करते हैं ब्लॉग्स में, तो खुद तुम खुद देखो। ओके कहा ऐसे नहीं हाथ धोऊं, वो भी इस खाने के लिए करता है। फूड की डिसरिस्पेक्ट हो रही है जो आज के टाइम पे बहुत से लोगों को नसीब भी नहीं होता, रात में सोते टाइम खाली पेट सोते हैं एंड इन बंदों को नसीब होता है, तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि इन लोग। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूंगा गोबर भैया ये वीडियो डाउन कराने से पहले प्लीज अपनी ये सारी चीजें सुधार लेना, ये सारी चीजें सही कर लेना, पहले 10-15 वीडियोस व्लॉग ना अच्छे से डालो एडिट कर। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जैसे अभी 26 जनवरी आने वाली है या फिर अगर तुम ये वीडियो देखोगे 26 जनवरी चली जाएगी, तो तुम लोग बताना तुम इंस्टाग्राम पे अगर कुछ पोस्ट कर रहे हो डे 26 जनवरी, तो तुम उस फोटो पे तो तुम उस कैप्शन से रिलेटेड फोटो क्या डालोगे? लेकिन हमारे गोबर भैया बहुत ज्यादा यूनिक है, ये देख लो। चाहे जो भी हो यार इस बंदे की इंस्टाग्राम एंगेजमेंट मुझे खूब भरोसा है। इस बंदे ने एक दिन पहले एक स्टोरी डाली थी पेज प्रमोट करते हुए, उस टाइम उस पेज के फॉलोअर्स थे 5113 फॉलोअर्स, एंड जैसी एक दिन हुआ उस पेज के फॉलोअर्स कितने होंगे? हाँ उस पेज के फॉलोअर्स थे 5126। बात नहीं 13 फॉलोअर्स बढ़े एक दिन में, वाह।
गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो, इस वीडियो को यहीं पे एंड रखते हैं। गाइस मैं सच में बताना चाहता हूँ, किसी को कोई कमेंट सेक्शन में जाके हेट मत देना। बाकी भाई ये जो बंदा कर रहा है, अगर अपने टाइम से सुधार लेंगे तो बहुत सही है, वरना और आते रहेंगे पार्ट। तो आप लोग बताना कैसी लगी वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जोर से करना, शेयर जोर से करना, एंड भाई नाचने के लिए रेडी हो जाओ तुम लोग। शादी नहीं भाई, ट्रैक आ रहा है अपना, फर्स्ट ट्रैक आ रहा है, तो मैंने काम चालू कर दिया। बहुत जल्दी मैं रिलीज कर दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अपडेट्स के लिए। इतना ही था वीडियो में, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो यार। तो मिलता हूँ वीडियो में, तब तक ले गए, जय हिंद। मेहनत मैंने रुकने ना दी, चाहे किस्मत चली ना मेरी, अपनी खाली थाली खाते खाने को थानी, तो मालूम था खा लूंगा सीन जिस जगह पे इनकी जल्दी।